संदीप मिश्रा, समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को उत्तर प्रदेश की योगी के सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा, उनके भाई बेटे के द्वारा उस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया और उन किसानों का निर्मम हत्या कर दी गई, गाड़ी से कुचल कर उनको मार दिया गया। आज उसी कड़ी में बनारस के काशी के गंगा घाट पे, आज इस तट पर हम लोग खड़े होकर पितृ विसर्जन के दिन उन मृत आत्माओं की शांति के लिए, आज हम लोगों ने यहाँ पितृ विसर्जन में उनके पिंडा पार के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग काशी गंगा के घाट पर आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया कि वो किसान भाई हमारे, उनको प्रेत योनि न मिले, इसलिए उनको श्रद्धा सुमन उनको अर्पित भी किया गया, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और माँ गंगा से, बाबा काशी विश्वनाथ से भी यह प्रार्थना किया गया कि उनकी मृत आत्मा को शांति मिले। और साथ ही मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इस योगी और मोदी की सरकार को कि आने वाले विगत सालों में, आने वाले अगले सालों में इस योगी और मोदी की सरकार को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता इसी गंगा के घाट पर उनका भी विसर्जन करने का काम करेगी, क्योंकि जनता इस समय आतुर है, जनता इस समय का इंतजार कर रही है। जब चुनाव आएगा, इसी चुनाव के घड़ी में वही उत्तर प्रदेश की जनता उनका इसी घाट पर देखिएगा, आप ही लोग लेंगे, विसर्जन किया जाएगा। और इसी कड़ी में अभी हम लोग ब्राह्मणों को चलकर भोजन कराया जाएगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए फिर भगवान से प्रार्थना किया जाएगा, हे भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले और योगी और मोदी की सरकार इसी तरह गंगा जी में विसर्जित हो जाए। जय हिंद, जय समाजवाद।